दरभंगा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता दें, जीतन सैनी हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और मुख्य आरोपी का नाम काजिम अंसारी है, जिसने जीतन सैनी की हत्या की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा, पैसे के लेन देन में हत्या की बात कही जा रही है। और ये देखिए तस्वीर, देखिए ये तस्वीर है काजिम अंसारी की तस्वीर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसी पर आरोप है जीतन सैनी की हत्या का। आप बता दें, मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्याकांड का पुलिस की टीम ने खुलासा कर लिया है और बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की गई। और काजिम अंसारी जिस पर आरोप है यही है, देखिए ये शख्स, इसी पर आरोप है जिसने निर्मम तरीके से हत्या की थी। और बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी पुलिस की टीम ने कर ली है, आगे की पूछताछ जारी है। और आपको बता दें, न्यूज 18 संवाददाता विपिन अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ये बड़ा खुलासा, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, और क्या डिटेल जानकारी? जी बता दूं कि ये दरभंगा पुलिस की बड़ी सफलता है, जिन्होंने काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। और काजिम अंसारी का सारा खेल सीसीटीवी फुटेज ने ही खत्म कर दिया, चूंकि जिस तरह से काजिम अंसारी हत्या की रात पहुंचता है घर में और घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है। लेकिन बता दूं कि ये काजिम अंसारी एक तरह जो जीतन सैनी है, जो मृतक है, उनसे ये पैसा उधार लिया था ब्याज पर, 4% ब्याज ये दे रहा था। पहले 1,00,000 रुपया 2022 में लिया, फिर 2023 में 50,000 रुपया लिया, और लगातार इससे ब्याज 4% ब्याज जो है उछला जा रहा था, जिससे परेशान था। कपड़ा व्यवसायी था, कपड़ा का दुकान था, वो भी बंद हो चुका था इसका। ये चाहता था जीतन सैनी से कि हमें कर्ज माफ कर दिया जाए, और कर्ज या तो कम कर दिया जाए या माफ कर दिया, जिस पर जीतन सैनी राजी नहीं थे, और यही कारण हत्या का निकला। जिसके बाद इसने वो कागजात, जो कागजात जमीन का कागजात ये बंधक दिए हुआ था उस रुपये के बदले, वो लेने के लिए और वो चुराने के लिए ये उनके घर में अन्य साथियों के साथ प्रवेश किया था। लेकिन जीतन सैनी से इन कमरे में घुसते ही, प्रवेश करते हैं, जीतन सैनी सामने पड़ गए और दोनों में कहासुनी शुरू हो गई, और जिसके बाद जो है चाकू से वार करके जीतन सैनी की हत्या कर दिया और खुद फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, और जो अन्य साथी इनके हैं उसकी भी तलाश की जा रही है। अभी भी हमारी जो बात हुई है ग्रामीण एसपी जो काम्या मिश्रा है, लगातार जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी भी जारी है। जी, काजिम अंसारी के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है विपिन, के वहां का ही रहने वाला था वो? काजिम अंसारी सुपौल बाजार का ही रहने वाला था और कपड़ा का दुकान चलाता था ये, और यहीं का, चूंकि इनका इसका पैतृक घर भी सुपौल बाजार में ही है, तो यहीं का रहने वाला था, उनके घर के बगल का ही ये काजिम अंसारी था। ठीक है विपिन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पुलिस की टीम ने बड़ा खुलासा कर लिया है, और देखिए जीतन सैनी की मौत की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। और इसमें आपको बता दें कि अब पुलिस की टीम ने काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है।